और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के, जहां पर दंतेवाड़ा में जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की है। जिले के 110 गांव को जैविक प्रमाणीकरण करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को अनुशंसा की गई है, जिसमें लगभग 65,000 से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र का प्रमाणीकरण होगा, जो 10,000 से अधिक किसानों की जमीन है। पूरे भारत में पहली दफा इतने बड़े पैमाने पर जैविक प्रमाणीकरण होने जा रहा है। दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा को जैविक जिला घोषित करने की प्रक्रिया 7 साल पहले प्रारंभ हुई थी, 7-8 साल पहले, और किसानों ने इस प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी प्रकार की दस्तावेजी प्रमाणन जो ग्राम है उन गांव को जैविक करने की जो आवश्यक प्रक्रिया है वो पूरी की है। भारत सरकार ने 2 साल पहले लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन मतलब बृहद क्षेत्र को प्रमाणीकरण वाली प्रक्रिया प्रारंभ की, और इसमें दंतेवाड़ा का जो क्षेत्र होगा वो देश का पहला ऐसा क्षेत्र होगा जो मुख्य भारत के क्षेत्र में होगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है ये दंतेवाड़ा में एक माता दंतेश्वरी की कृपा से इतना बड़ा किसानों के हित में काम हुआ। एक ऐतिहासिक दिन है आज का, जब भारत सरकार के द्वारा जो एक गठित की गई, आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी गठित की गई कमेटी ने, जो एक्सपर्ट कमेटी है, उसने विजिट किया है आपके इस एरिया को, जहां पर लगभग आपके जो 110 गांव जो ग्रीन जोन में बनाए गए हैं, जहां पर कोई केमिकल और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होता, उसको हम लोग जो है वो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में ला रहे हैं। उसका प्रयास बहुत ही अच्छा रहा। आज लगभग बहुत सारे, मैंने जो कहा जाए कि हम 99 के करीब हैं, बस इसको पोर्टल में जाके सर्टिफिकेशन जो निकलेगा वो हमारा आरसी जो करेगी।